इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश का आज का कोरोना ग्राफ बेहद डरावना है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की बेहद दुखद खबर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। अजीत सिंह गुरुग्राम के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अजीत सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आज सुबह वो लड़ाई हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। 7 बार सांसद रहे। अजीत सिंह पश्चिमी यूपी की जाटलैंड के बड़े नेता थे। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आज सुबह सुबह ये दुखद खबर आई, हालांकि दूसरी दुखद खबर ये भी है कि लगातार कोरोना के आंकड़े देश में बढ़ते जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या कुछ उनके परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है, कब उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या बताया गया? देखिए अर्चना, हमारे परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज ही ये कोशिश की जा रही है कि अंतिम संस्कार किया जाए। अब से कुछ देर पहले उनके बेटे जयंत चौधरी ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि चौधरी साहब नहीं रहे। इसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, चूंकि बड़े किसान नेताओं में गिनती होती थी चौधरी अजीत सिंह की, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तर प्रदेश के, और यूं कहा जाए कि वो देश के एक बड़े किसान नेता थे तो गलत नहीं होगा। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी लोग गुरुग्राम के उस निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि चूंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहे हैं, यही वजह है कि वो अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरीके से अंतिम संस्कार को संपन्न किया जाए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भावभीन श्रद्धांजलि दी है अजीत सिंह को और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति होने की अपील की है। लेकिन जिस तरीके से 20 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हुए और आज उन्होंने ये जंग हार चुके हैं, वो चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है, बेहद दुखद खबर है पूरे देश के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के लिए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार आज ही संपन्न कराया जा सकता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, जाहिर सी बात है, जो उनके समर्थक हैं वो चाहेंगे कि वो जाएं दर्शन करें, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि सभी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।